मैं कहता हूँ पाकिस्तान टी इज फैंटास्टिक। अभी जिस दिन का सिग्नेचर स्टाइल होने वाला है 3-2-1 ये। अस्सलामुअलैकुम खवातीन और हज़रात, शोपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रहे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम भाई है इस्तांबुल टर्की में, और इस्तांबुल के हम इस टाइम न्यूली और एलीट एक एरिया ये इन्होंने बिल्ड किया यहाँ पे, जब मतलब पूरे इस्तांबुल में जो आपको घरों की समंदर की वो जो फील होती है ये उससे हट के यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स, बहुत ही महंगे अपार्टमेंट्स और ये वो, लेकिन उस चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं आज एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ खाने के लिए जिसका नाम जिज़्ने बुराक, नहीं 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 नहीं, एक टाइम में इसका नाम जिज़्ने बुराक हुआ करता था, जिसको आप हम पाकिस्तान में मोस्टली कज़न बुराक कहते हैं क्योंकि लिखा CZN होता है तो वो बोला जाता है जिज़्ने बुराक, लेकिन उसका नाम चेंज हो चुका है और उसका नाम हो चुका है शेफ़ बुराक रेस्टोरेंट, जो कि इस टाइम वादी इस्तांबुल में अपना रेस्टोरेंट है उनका। बाकी एक और उनकी स्टोरी है कि बाकी जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वो मेरा ख्याल है शेफ़ बुराक के नहीं रहे, लेकिन वो स्टोरी हम कभी और कवर करेंगे। तो जो शेफ़ बुराक का अपना इस टाइम रेस्टोरेंट है वो इस्तांबुल वादी इस्तांबुल एरिया के अंदर है। आज हमने खाना है फुल ऑन हैवी किस्म का जिज़्ने बुराक। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप लोगों के लिए सबसे एक्साइटेड न्यूज़ वो ये है कि आपका भाई मिलने वाला है जिज़्ने बुराक से। इन्होंने हमें इनवाइट किया है अपने रेस्टोरेंट पे, वो आएंगे हम लोग मिलेंगे, और जिज़्न आज स्पेशली हमसे मिलने के लिए वो बंदा यहाँ पे आ रहा है, अदरवाइज कोई प्लान में नहीं था। उन्होंने हमें दो बार आज दिन में भी कॉल की कि पक्की बात है आप लोग आओगे। स्मेल्स सो गुड। और हमारे साथ हैं जी मिस्टर ज़का, क्या हाल चाल है? जबरदस्त। खैर हमारे साथ महा, क्या हाल है? एंड तुर्कियान, क्या हाल चाल है? अच्छा, एक्साइटेड हैं आप लोग आज जिज़्ने बुराक शेफ बुराक के लिए? नाश्ता नहीं किया? आए हाय हाय हाय, burada bizim burası küçük bir restoran. 3-4 gün önce. Çok geçmiş ondan olsun. Biraz halsizim ama iyiyim. Çok şimdi. Geçmiş olsun. Ben de hani aklım burada kalıyor. Geldim. Çok sağ ol. Actually he is telling that 4 days ago I had a surgery. That's why I am looking so weak. I just came for you guys. I don't want to break anyone's heart. That's why I came. I am sorry. I am not. Thanks a lot. Also, it really means a lot for us. Really Pakistani humanity, hospitality. Pakistan people is not my customer. My our brothers. Because, oh yeah, thank because, you. Because wow. When I go to Pakistan, I feel like my home. Oh, I will go you. Everywhere. I meet some peoples and I see child make a play football together and we play with child cricket. Yes. Pakistan. Yes. My heart here always with Pakistan. Thank you. Pak-Türk, Zindabad. Juvay Juvay Turkey, Juvay Juvay Pakistan, Juvay Juvay Burak. But people loves you a lot in Pakistan. Yes, I know. Yeah. And you can translate also your Pakistan language. Language, please. Yes. I have only one restaurant in Istanbul. This restaurant. Okay. Another restaurant, everything is sell. Oh. I don't want to talk about the situation, but I have only one restaurant in Istanbul. Near to Wadi Istanbul. So इस टाइम जिज़्ने हमें ये बता रहे हैं कि इनका इस्तांबुल के अंदर सिर्फ यही एक रेस्टोरेंट है जिसपे हम इस टाइम खड़े हुए हैं, और ये वादी इस्तांबुल ब्रांच है जिसका नाम शेफ़ बुराक रेस्टोरेंट है। इसके अलावा जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो इनकी ओनरशिप में नहीं है। अगर आपने इनसे मिलना है, इनके खाने खाने, तो आपको वादी इस्तांबुल ब्रांच पे आना पड़ेगा। $150,000 stone. Oh. Upstairs, me and my mother. Please, you can see. Okay. Camera. Okay. You will go upstairs with this guy and I will come. Git görsen bir de yakınlaştırıcı taşları görsünler. Dokundur. Okay, so ये wall है जो जिज़्न ने हमें देखने के लिए ऊपर भेजा है। ये जिज़्न है और ये उनकी मदर है। ये 150,000 मतलब 1.5 लाख छोटे छोटे स्टोन्स के साथ, ये चेक करो, ये बिल्कुल जो छोटा छोटा पत्थर होता है उसके साथ इन्होंने अपनी मदर के साथ ये पिक्चर लगाई हुई है यहाँ पे। हमारा खाना आने वाला है और खाना हमें सर्व करना है बुराक में खुद। वेलकम। दिस इज आवर ट्रेडिशनल फूड सॉस। दिस इज रिब्स। रिब्स सर, कबूतर रिब्स। रिब्स इन सरमा सरमा होलमा।
सरमा सरमा एक्चुअली ग्रेप लीव्स के अंदर एक मसाला वाला राइस है वो तो देखो वो अमेजिंग ये चेक करो ओए कितना टेंडर मीट है ओ हो 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 इस पे बनती है इस पे बनती है अच्छा एक्चुअली बुराक कह रही है कि मैंने पाकिस्तान में जाके गरीब लोगों को 10,000 लोगों को मैंने खुद खाना बना के पाकिस्तान में लोगों को बांट दिया वाह अभी जिस दिन का सिग्नेचर स्टाइल होने वाला है 3, 2, 1 ये डो से बनाया हुआ है अंदर राइस बादाम और मीट निकलने वाला है अभी उसकी कटिंग हो रही है फुल हैवी सीन चल रहा है यहाँ पे मीट जिस तरह से बीच में से आ रहा है ना खूबसूरत यार खूबसूरत सिग्नेचर स्टाइल पाकिस्तान टी इज फैंटास्टिक टी बन गिबी डिशे ama aslında tam tea bun değil biraz daha pişmiş ye एक्चुअली उसकी जैसे लेकिन ये थोड़ी और पक चुकी है अच्छा ओके हर zaman Türkiye kardeş oldukları için çok teşekkür ederim Pak Türk जिंदाबाद जिंदाबाद अभी उन्होंने सारा मीट कट करके वो जो पिलाव निकला है उसके ऊपर वो सारा मीट डाला ताकि उसे हम खाएं अब सही तरह से और ये चेक करो कि ये किस तरह से किस खूबसूरती के साथ ये मीट और पिलाव रेडी हुआ है ओह स्मेल्स सो गुड आल्सो आल्सो व्हेन आई गो पाकिस्तान आई सी मेरे गुड पोस्टर्स फॉर एग्जांपल वी विल गो टू समवेयर And Pakistan people see me, oh, you are Turkish there. You are our brother, Muslim brother. Please come. We will go somewhere and always, always, very good Muslim. How did I go all around the world, Europe or something, all around the world I go. But Pakistan is in my heart. Oh. I swear, because even when I go China, when I go Dubai, when I go Saudi Arabia, when I go England, when I go London, also Pakistani people see me and tell me, Murat, you are our brother, we love you. This is very good. Yes. This is more than important money. Believe me, exactly, they love you so exactly. much. Please guys, thank you. Thank just one minute, one minute. Sorry, but... Yes. Hello, thank you. Thank you so much. शेफ बुराक ओके सो हमारा खाना शाना आप रेडी करके जा चुके हैं बुराक साहब लेकिन इधर ही है उन्होंने कहा मैं दोबारा आता हूँ वापस आप खाना शुरू करो और ये जो मुझे गिफ्ट मिला है इतना खूबसूरत गिफ्ट क्या बात है इसको हम संभाल के रखेंगे एक सेकंड और में खाना बना के या महाकुंभ बनेगा यार महाकुंभ में बनाने नहीं देता खाना ऐसे सबसे पहले खाना वाना गया साइड पे पैसा गया साइड पे इतना हम्बल इंसान मुझे कहना पड़ रहा है मतलब मुझे ये एक मतलब एक्सट्रीम लेवल है कि ये मुझे कहना पड़ रहा है कि इतना इतना डाउन टू अर्थ और इतना हम्बल इंसान शायद ही मैंने कभी ज़िंदगी में देखा हो ऐसे ही है क्योंकि वो एक दुनिया का मतलब पूरी दुनिया जानती है उस बंदे को और वो सिंपली आके आपसे मिल रहा है आपके लिए हर चीज़ कर रहा है और उनका भी ऑपरेट हुआ है कुछ ही दिन पहले 4 दिन पहले और उनसे सही खड़े नहीं हुआ जा रहा वो सिर्फ हमारे लिए आज रेस्टोरेंट पर आए आज उनका कोई सीन नहीं था यहाँ आने का अब खाना शुरू करें मेरा ख्याल है इसका मतलब मीट की वो चेक करो किस तरह से शाइन है उसकी ओए होए 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 चेक करो मतलब मैंने हाथ सिर्फ उसको लगाया ओके ये तुर्की में क्यों तुर्की में मोए मोए अभी अभी आए ना कर फिर शुरू करो ना यार शुरू करो ओए मीट की जूती है सर उसकी टेंडरनेस एक्सट्रीम लेवल पे जाती है और पिलाव के साथ ये लिया हमने पिलाव और यू डैश स्टिक ओ ये चेक करो 3, 2, 1 गो ये देखो उतरा है ये चेक खाने शाने हमारे कंप्लीट हो गए हम उठ के जाने लगते हैं चाय आ जाती है फिर दोबारा हम उठ के जाने लगे अब फ्रूट्स आ गए हैं उन्हें मना भी किया था कि फ्रूट्स नहीं बस वो कहते नहीं जी बुराक ने कहा है कि ये चीज़ें सर्व होंगी सारी तो होंगी अब यहाँ पे फ्रूट्स और चाय चल रही है
और हमारे साथ अलमशहूर मिस्टर एहसन मौजूद हैं। क्या हाल है एहसन? ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे एक्सपीरियंस रहा आज जिसन का? आज वाला पहले से बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा उसने सर्व किया और बहुत बेहतर एक्सपीरियंस रहा आज का। I have only one restaurant in Istanbul. Okay, so ये जो जिस दिन बुराक ने बात की ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उनकी कितनी ये पर्सनल और प्राइवेट बात है, जो मुझे पहले पता लग चुकी थी, बट उन्होंने खुद ही जब वीडियो में बता दिया तो अब मैं आपको पूरा सीन बता देता हूँ। वो बात ये है कि भाई जो इनका रेस्टोरेंट था, जो पूरी दुनिया में इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं, जिसका नाम था जिज़ने बुराक। अब जिज़ने बुराक जो ट्रेडमार्क है जिसके अंडर पूरी दुनिया के इनके रेस्टोरेंट्स रजिस्टर हुए हुए हैं, वो इनके वालिद साहब ने इनको बताए बगैर वो ट्रेडमार्क सेल कर दिया और सारे रेस्टोरेंट्स की ओनरशिप दे दी किसी और को। ओनरशिप भी दे दी, हाँ, किसी को बेच दिया पूरा। और इस बंदे को बाद में पता लगा कि इसके सारे रेस्टोरेंट्स की ओनरशिप जा चुकी है। मतलब आप खुद सोचो कितना बड़ा ज़िंदगी का झटका है कि मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर, मेरे ख्याल ट्रिलियन डॉलर उसका बिजनेस जो है वो एक रात के अंदर उसके वालिद साहब ने किसी को बेच दिया और उसको पता भी नहीं लगा। अभी भाई केस चल रहा है इनका, हाँ, लेकिन हाँ इनका एक्सेस नहीं है इसका उस रेस्टोरेंट में, कोई प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकता, हाँ, कुछ नहीं कर सकता। एक रात में ओनरशिप चलेगी यार बंदे की हर चीज की। अगर आपको मैं तकसीम वाली ब्रांच दिखाऊं इस, तो इसके अबू ने सारी जो इसकी पिक्चर थी आर्टिस्ट के साथ, हाँ, सब पे अपनी पिक्चर लगा दी है, पिक्चर भी निकाल दी है वहाँ से। जैसे मतलब जैसे आप पहले इसके रेस्टोरेंट में जाते थे तो पूरी वॉल्स के ऊपर इसकी हर दुनिया के सेलिब्रिटी के साथ तस्वीरें थी उनको सर्व करते हुए। इसके अब्बा जी ने वो सारी तस्वीरें AI के थ्रू उन पे अपना मुंह लगा के और वो तस्वीरें अब लगाई हुई हैं। तो खैर इस बंदे ने अब दोबारा से अपना ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया जिसका नाम जिज़ने बुराक नहीं, शेफ बुराक है। और अब इसका दुनिया में जो इतने रेस्टोरेंट थे वो इसके नहीं है, इसका सिर्फ अब एक ये ही रेस्टोरेंट है जो कि इस टाइम वादी इस्तांबुल में है। पाकिस्तान जिंदाबाद।